नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा तुरंत कस्टम्स के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा तुरंत कस्टम्स का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट की सुविधा प्रदान की गई है। तुरंत कस्टम्स के तहत जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC है, उसने एक सुरक्षित QR कोड आधारित शिपिंग बिल का अनावरण किया है, जिससे कि सीमा शुल्क विभाग के द्वारा निर्यात की अनुमति देने के बाद में निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। अर्थात ये जो QR कोड है वो उन्हें QR कोड आधारित जो शिपिंग बिल है वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्यातकों को भेजा जाएगा। इससे निर्यात के प्रमाण के लिए निर्यातकों को जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके माध्यम से जो शिपिंग बिल्स हैं उनको जमा करने के को लेकर के निर्यात अनुमति के अंतिम आदेश तक सीमा शुल्क निर्यात प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आधारित भी हो गई है। और यह पेपरलेस एक्सपोर्ट पहली बार CBIC के द्वारा अपने तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम के तहत फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स की ओर एक अहम कदम बताया जाता है। अब इस सुधार से आयातकों, इसके अलावा निर्यातकों और अन्य हितधारकों के लिए लागत को कम करने के लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके उन्नत उपयोग पर इसे आधारित किया गया है। निर्यात के लिए पेपरलेस जो डॉक्यूमेंट्स है उसका शुभारंभ 15 अप्रैल 2020 को आयात के लिए शुरू की गई पहल की ही अगली कड़ी है। अर्थात इससे पहले आयात के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और अब निर्यात में भी इस पेपरलेस कस्टम्स को स्टार्ट कर दिया गया है। शिपिंग बिल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने से इन दस्तावेज़ों को कागज के रूप में प्रस्तुत करने की वर्तमान आवश्यकता दूर हो जाएगी, जो कि ग्रीन कस्टम्स को बढ़ावा देने के अंदर सहायक सिद्ध होगी। CBIC ने बताया है कि तुरंत कस्टम्स, जिसका मुख्य घटक फेसलेस असेसमेंट है, उसको विभिन्न चरणों के अंदर 1 जनवरी 2021 तक पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक है युक्ति 2.0। MHRD यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 23 जून 2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है। इससे पहले युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई थी और अब इसका सेकंड जो स्टेप है 2.0 उसे स्टार्ट किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स हैं उनसे व्यावसायिक क्षमता रखने वाले बहुत समग्र और व्यापक तरीके से टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री ने 12 अप्रैल 2020 को युक्ति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था, जिसका पूरा नाम यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वह बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना। युक्ति 2.0 जो पोर्टल है उसके माध्यम से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों और जो इनोवेशन्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है अथवा नहीं मिल रही है। और इस पोर्टल यह जो पोर्टल है एक मार्केट प्लेस स्थापित करने के अंदर मदद करेगा, जहां इन युवा जो इनोवेटर्स हैं उन्हें निवेशकों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन को पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हाल ही में प्रारंभ की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई आत्मनिर्भर भारत की जो सफलता है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता और इनोवेशंस की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, और इसी के लिए यह युक्ति 2.0 पोर्टल लाया गया है। और इसके लिए युवा विचारों को उद्यम में बदलने के लिए युक्ति जैसी पहल काफ़ी आवश्यक थी। अगला टॉपिक है यूनिसेफ किड पावर। हाल ही में 21 जून को 6th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है और उसके अवसर पर यूनिसेफ किड पावर ने बच्चों के लिए 13 योगासनों को सूचीबद्ध किया है। अब
इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं तो यूनिसेफ किड पावर यूनिसेफ यूएसए की एक परोपकारी पहल है जो कि बच्चों को अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों को वास्तविक दुनिया के प्रभावों से जोड़कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यूनिसेफ किड पावर ने कैलिफोर्निया स्थित जो टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम कैलोरी क्लाउड एंड डिजाइन स्टूडियो एम्यूनिएशन है उसकी मदद से बच्चों के लिए किड पावर बैंड विकसित किया है जो हाथ में पहना जाता है। इस बैंड को बच्चों के लिए एक फिटनेस ट्रैकर ब्रेसलेट के रूप में बताया जा रहा है जो कि स्मार्टफोन में एक ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इस ऐप के द्वारा जो उपयोगकर्ता हैं उन्हें एक मिशन पूरा करने के लिए दिया जाता है जहां यह ऐप उपयोगकर्ता के कुल चरणों और अवार्ड पॉइंट्स को गिनता है और इन अवार्ड पॉइंट्स के आधार पर ही यूनिसेफ किड पावर अपने सहयोगियों से अनुदान प्राप्त करता है जिसे यूनिसेफ के द्वारा दुनिया भर में गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचारात्मक भोजन यानी रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड RUTF के पैकेट वितरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला बिंदु है IIT बॉम्बे ने नाविक या GPS जो सिस्टम है उसके लिए एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया है जिसका नाम ध्रुव है। इस चिप का जो उपयोग है वह देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन्स और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स में किया जा सकता है। यह भारत के नेविगेशन सैटेलाइट के जो नाविक समूह के साथ में अमेरिका का जो GPS है जिसका नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उस पर आधारित सैटेलाइट्स से किसी भी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं नाविक के बारे में तो यह है नाविक जो कि भारत की एक जो भारत का खुद का GPS है स्वयं का GPS है जिसे IRNSS कहा जाता है जिसका पूरा नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है जो कि सटीक रियल टाइम पोजिशनिंग और टाइम सर्विस उपलब्ध करवाती है। यह भारत और इसके 1500 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में कार्य करता है और जो नाविक है उसके अंदर दो तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। पहली है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो जिसका उपयोग सामान्य नागरिकों के लिए किया जाएगा। दूसरी जो सर्विस है उसे लिमिटेड सर्विस कहा जाता है अर्थात सीमित सेवा जिसका उपयोग कुछ विशिष्ट यूजर्स जैसे और सेना आदि के लिए किया जाएगा। जो नाविक सिस्टम है उसके अंदर प्रारंभ में उपग्रहों की जो संख्या थी वह 7 थी। जैसे कि आप इस मैप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं इसमें 7 उपग्रह हैं 7 सैटेलाइट्स हैं जो इस IRNSS को सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर जैसे हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 उपग्रह जो भारत के और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं और ये भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। और अब इसके अंदर जो ये उपग्रह हैं 7 उपग्रह थे इनकी संख्या को बढ़ा करके 11 किए जाने की योजना है। IIT मद्रास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिसकी स्थापना 1959 के अंदर पश्चिमी जर्मनी की सहयोग से की गई थी और ये IIT संस्थान तमिलनाडु के अंदर स्थित है और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जिसका कैंपस लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर विस्तृत है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के बाद में भारत ने 50% स्टाफ में कटौती करने का निर्णय लिया है। 23 जून 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला किया है और साथ ही नई दिल्ली के अंदर स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को अपने स्टाफ में 50% की कमी करने के लिए भी कहा है। राजनयिक संबंधों का यह महत्वपूर्ण डाउनग्रेडिंग निम्न कारण से हो रहा है। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो पहला है भारतीय उच्चायोग के जो 2 कर्मचारी थे उन्हें बंदूक की नोक पर इस्लामाबाद के अंदर उनका अपहरण किया गया और फिर पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इन कर्मचारियों के साथ बड़ा बर्बर व्यवहार किया गया। यह 2 भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी 22 जून को भारत में लौट चुके हैं। इसके साथ ही हमने अभी कुछ समय पहले देखा था कि जो 2 पाकिस्तान के उच्चायोग के कर्मचारी थे जो 31 मई 2020 को जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे और इन दोनों पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों को आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने का इन पर काम करते हुए इन्हें पकड़ा गया था और इसी वजह से इन्हें वापस पाकिस्तान के लिए भेज दिया गया था। इनको काम से निकाल दिया गया और पाकिस्तान भेज दिया गया था और उसी दिन से पाकिस्तान लौटने के लिए उन्हें कहा गया था।
वर्षों से भारत ने नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान उच्चायोग के जो कर्मचारी हैं उनकी गतिविधियों पर लगातार चिंता व्यक्त की है, क्योंकि ये लोग लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनमें संलिप्त पाए जाते हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों के द्वारा दो भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार के असभ्य व्यवहार के साथ में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन और दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनका उल्लंघन किया है। अगला टॉपिक है कोडुमालल महापाषाण कालीन स्थल। हाल ही में राज्य पुरातत्व विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड जिले के अंदर कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 केयर्न सर्कल की पहचान की है। यह केयर्न सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों की समानांतर रैखिक व्यवस्था होती है। मेगालिथ यानी कि महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर होता है जिसका उपयोग या तो अकेले अथवा अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने के लिए किया जाता है। महापाषाण या मेगालिथ शब्द का जो प्रयोग है वह उन बड़ी पत्थर संरचनाओं के लिए उल्लेखित करने में किया जाता है जिनका निर्माण शवों को दफन करने के लिए जो स्थल होते हैं या स्मारक स्थल होते हैं उनके लिए किया जाता है। कोडुमानल के बारे में बात करें तो यह तमिलनाडु के इरोड जिले के अंदर स्थित एक गांव है और यह स्थल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह कावेरी की सहायक नदी नायल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। कोडुमानल से प्राप्त जो अवशेष हैं उनकी बात करें तो पहली बार किसी कब्रस्थल से 10 से अधिक बर्तन और कटोरों की खोज की गई है। साथ ही सामान्य रूप से किसी कब्र के पर 3 या 4 ही बर्तन मिलते हैं। अब इस खोज के महत्व के बारे में बात करते हैं कि पत्थरों की अधिक संख्या और पत्थरों के बड़े आकार से पता चलता है कि यह जो कब्र है वह ग्राम प्रधान या समुदाय के प्रमुख की हो सकती है। इससे मेगालिथिक संस्कृति में दफनाने के बाद अपनाई जाने वाली अनुष्ठान प्रक्रिया और मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का पता लगता है। अर्थात उनका यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का कोई जीवन रहता है। ऐसा हो सकता है कि लोगों को ऐसा विश्वास हो कि व्यक्ति मृत्यु के बाद में एक नया जीवन मिलता है, अतः कक्षों के बाहर अनाज और अनाज से भरे हुए कटोरे रखे गए थे। और ये जो आयता कक्ष नुमा जो ताबूत है अर्थात जो बॉक्स है वह पत्थर के फलकों से बना हुआ है और पूरी कब्र को पत्थरों से घेर करके बनाया जाता है। इस स्थल से प्राप्त अन्य अवशेषों के बारे में बात करें तो इसमें एक जानवर की खोपड़ी मिली है, इसके अलावा मोती मिला है, तांबे को गलाने वाली इकाइयाँ, एक कार्यशाला की मिट्टी की दीवारें, कुम्हार के बर्तन, तमिल ब्राह्मी लिपि के लेख और पूर्व में किए गए ये सब इसमें मिलेंगे। इसके अलावा पूर्व में किए गए जो उत्खनन कार्य हैं उनके बारे में बात करें तो इन कोडुमानल के अंदर जो पहले उत्खनन कार्य किए गए थे जिनसे पता चला था कि इस ग्राम के अंदर बहुजातीय समूह निवास करते थे और यह स्थल 5वीं शताब्दी से पूर्व 1 शताब्दी ईसा पूर्व तक एक व्यापार सह औद्योगिक केंद्र था। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के निर्माण के लिए पीएम केयर्स फंड से कितने रुपए की राशि आवंटित की है। आप इस सवाल का जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 2,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के निर्माण के लिए पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 30 जून तक जो भारत में 14,000 वेंटिलेटर्स पूरे देश भर के अंदर विभिन्न कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर वितरित किए गए थे और अब इसमें जो बनाए जाने वाले कुल 50,000 जो वेंटिलेटर्स हैं उनमें से 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा किया जाएगा और शेष जो वेंटिलेटर्स हैं वो निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से करवाए जाएंगे। टॉपिक से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी एग्जाम से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण कंटेंट्स पर डिटेल्ड जो मैटर है मिलेगा। तो इसके लिए आप कल की क्लास देखें और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है। आप अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, आप इसके अलावा आपके जो फीडबैक्स हैं और आपकी इस सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को लेकर कोई समस्या हो तो उनके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर हमें सूचना दे सकते हैं। थैंक यू।